हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस बार रक्षाबंधन 3 अगस्त को आने वाला है और आप इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी बहन को गिफ्ट जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अपनी बहन को कौन सा गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे कि उसको कष्ट ना उठाना पड़े। तो अब बात आती है कि आखिर कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। दोस्तों, गिफ्ट देने से पहले बहनों को ये सोचना चाहिए कि उनके भाई को आखिर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उनका भाई किस चीज़ से प्रेम करता है, ताकि उनको सही गिफ्ट दिया जा सके। और यही बात भाइयों पर भी लागू होती है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उनकी बहन को आखिर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो धार्मिक तौर पर नहीं है, बल्कि उसका संबंध राष्ट्रीय तौर पर है। दोस्तों, आपको कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट या फिर कोई भी चाइनीज़ चीज़ गिफ्ट के तौर पर बहन को नहीं देनी है। और यही बात बहनों पर भी लागू होती है, बहनें भी अपने भाइयों की कलाई पर कोई भी चाइनीज़ राखी ना बांधे। आप इतना तो देश प्रेम के लिए कर ही सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ज्योतिष की दृष्टि से कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिनकी वजह से बाद में कष्ट उठाना पड़े। सबसे पहले तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी चाहिए जिस चीज़ के ऊपर भगवान का चित्र या फिर तस्वीर बनी हो। लेकिन आप भगवान की मूर्ति गिफ्ट में दे सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ पर देवी देवताओं के चित्र बने हैं उस चीज़ को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो वो है काले कपड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको काले कपड़े भी गिफ्ट के तौर पर नहीं देने चाहिए, क्योंकि काले कपड़े नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं और ये राहु के प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। और इसके अलावा काले कपड़ों को किसी को भी दान नहीं करना चाहिए और इस बात की मनाही हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी की गई है। और अगर किसी के घर में पूजा की जा रही है तो उस पूजा में भी काले कपड़े पहन कर ना जाए। और अगर आप अपनी बहन को रक्षाबंधन में काले कपड़े गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उसके ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ ला रहे हैं। दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो वो है चमड़े के जूते। और सिर्फ चमड़े के ही जूते नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के जूते अपनी बहन को या फिर भाई को गिफ्ट के तौर पर नहीं देने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका कारण होता है राहु काल। ऐसा करने से राहु काल सामने वाले या फिर आपके कुंडली पर दोष ला सकता है और इस वजह से आपको अपनी बहन या भाई को गिफ्ट के तौर पर जूते नहीं देने चाहिए। और इसका दूसरा कारण ये है कि ये बिछड़ने का प्रतीक माना जाता है और भाई और बहन कभी भी अपने प्यार को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से आप चमड़े के जूते या फिर चप्पल गिफ्ट के तौर पर नहीं दे सकते। दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो आपको कोई भी नुकीली चीज़ गिफ्ट के तौर पर नहीं देनी चाहिए। नुकीली चीज़ों का मतलब है नेल कटर, चाकू, इस तरह की धारदार चीज़ों को गिफ्ट के तौर पर देने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा आपको कई सारे कष्टों का या फिर दोषों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी चीज़ों से सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है शीशा यानी कि कांच का मिरर। दोस्तों, शीशा जिसे कि राहु का प्रतीक माना जाता है और इससे भी आपको कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से आपको शीशा या फिर कांच से बनी किसी भी चीज़ को गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में कांच को अशुभ माना जाता है और इससे आपके और सामने वाले के व्यक्तित्व पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, और अगली चीज़ है रुमाल या फिर तौलिया। जी हाँ दोस्तों, आपको तौलिया या फिर रुमाल भी रक्षाबंधन के वक्त गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल खुद ही खरीदनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से मंगवानी नहीं चाहिए और इसी चीज़ से व्यक्ति की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जुड़ी होती है। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है पैसे। अगर आपने पैसे किसी ऐसे माध्यम से कमाए हैं जो कि उचित नहीं है, तो आपको उन पैसों से खरीदी हुई कोई भी चीज़ या फिर उन पैसों को गिफ्ट के तौर पर अपनी बहन को नहीं देने चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप साक्षात महालक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं। और इसके अलावा रक्षाबंधन के वक्त आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए जो कि आपने खरीदी हुई नहीं है बल्कि किसी से चुरा कर लाई है, क्योंकि इस चीज़ का आपके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और सामने वाले पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो कि आप अपनी बहन को दे सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं पहली चीज की। तो अगर आपकी बहन विवाहित है तो आपको अपनी बहन को सुहाग की चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि मेकअप से जुड़ी चीज़ें वगैरह। ऐसा करने से आपके बहन को भी अच्छा लगेगा और उसका वैवाहिक जीवन भी मजबूत रहेगा। दोस्तों अगर बात करें अगली चीज़ की तो वो है गहने। दोस्तों महिलाओं को गहने बड़े पसंद आते हैं, तो आप अपनी बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी गहना दे सकते हैं। और ऐसा करने से ना कि सिर्फ बहन के घर में सुख समृद्धि बढ़ती है बल्कि भाई के घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं है या अगर आपके पास कोई भी गिफ्ट देने का सामर्थ्य ना हो तो ये याद रखें कि मीठी वाणी का गिफ्ट दे। इसका मतलब है कि आप अच्छे बोले, मीठे बोले। और अगर आपकी बहन आपके घर आई है तो आप उसे मीठी बोली का या फिर अच्छे संस्कारों का गिफ्ट दे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहन को इससे शांति मिलेगी, और शांति से बड़ा कोई भी गिफ्ट नहीं होता है। और आप सामने वाले से भी अच्छा बोले, और इससे अच्छा गिफ्ट किसी को भी माना नहीं गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ऐसी जानकारी पसंद आई होगी और आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको कौन सा गिफ्ट देना चाहिए और कौन सा गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।